नमस्कार, माय नेम डॉक्टर खगेंद्र कुमार। पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करी थी, आज है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ग्रीक शब्द है, पार्थेनोस जिसका मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस मतलब बर्थ, यानी बिना निषेचन के नई संतति का निर्माण हो जाना। इसकी खोज चार्ल्स बोनेट ने सी अर्चिन के एग में की थी। यह लैंगिक जनन का एक मॉडिफाइड रूप है जिसमें फीमेल गैमेट है वो बिना किसी निषेचन के नई संतति में विकसित हो जाता है। तो बोले तो द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो दो तरीके के हैं मोस्टली, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और सेकेंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के अंदर होते हैं उसको आगे फर्दर डिवाइडेड किया, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस तथा उनमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर उनको हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस और एरेनिटोकी तथा डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस और हेलिटोकी में डिवाइड किया। आगे बात करते हैं हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। जब पार्थेनोजेनेसिस प्राकृतिक रूप से होता है तो इसको नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस या प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का एक प्रकार है, इसमें कई जीवों के अंदर उन जनन का या निषेचन का उनके अंदर एक ही मेथड होता है एंड दैट इज पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। इस प्रकार की पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ फीमेल्स पाई जाती हैं, मेल्स नहीं पाए जाते। एग्जांपल है लेसर सेक्सिकोला। दूसरा बात करें इसके टाइप्स, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, कुछ एनिमल्स के अंदर पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एकांतरित क्रम में होते रहते हैं अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल गोल फ्लाइज का अगर हम लेते हैं, वहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन एंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली अल्टरनेट चलते रहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, पार्थेनोजेनेटिकली और सेक्सुअली, पार्थेनोजेनेटिकली और सेक्सुअली डेवलपमेंट एक्ट। कुछ एफिड्स के अंदर देखें हम, कुछ डेफिनेट्स और रोटिफर्स के अंदर भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समर के अंदर होता है और उसके बाद बहुत सारे पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोडक्शन होते हैं, अनिषेक जनन के द्वारा विकास होता है और उसके बीच में समर के दौरान एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पीढ़ी होती है। तीसरा इनका टाइप था जो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर था, हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस को एरेनिटोकी भी कहा जाता है, ये भाई कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा था। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द हैप्लोइड एग इनटू हैप्लोइड एग। इसमें अगुणित या एन जो एग है उसका अगुणित एनिमल के अंदर विकास हो जाता है। इसके अंदर जो सभी इंडिविजुअल्स बनते हैं या जीव बनते हैं वो सभी मेल्स होते हैं और ये इंसेक्ट्स, रोटिफर्स और अरेक्निड्स के अंदर पाया जाता है। इंसेक्ट्स के अंदर ये बीज, वॉस के अंदर एग्स हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली मेल्स के अंदर डेवलप होते हैं और जो फर्टिलाइज एग हैं वो फीमेल के अंदर डेवलप होता है। इसलिए जो मेल्स होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा डिप्लोइड होती हैं। जो मेल्स हैं वो फर्टाइल होते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द रिडक्शनल डिविजन या इनके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन है वो नहीं होता है। हैप्लोइड डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन जो मधुमक्खियों के अंदर पाया जाता है उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण को अगर हम समझें तो जो क्वीन बी होती है वो डिप्लोइड होती है, उसके अंदर 2N गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसका जो एग है वो हैप्लोइड होता है और वो बिना किसी निषेचन के ड्रोन के अंदर डेवलप होता है जो कि मेल होता है। आगे ड्रोन और क्वीन बी का एग है
जो ड्रोन के द्वारा निषेचित हो जाता है या फर्टिलाइज हो जाता है वो आगे वर्कर के अंदर डेवलप होता है और ये वर्कर डिप्लॉयड होती है और ये फीमेल्स होती है। अब ये जो वर्कर है डिप्लॉयड, ये अगर रॉयल जेली को फीड कर लेती है तो ये क्वीन के अंदर डेवलप हो जाती है, अगर रॉयल जेली का फीडिंग इनको नहीं हो पाती तो ये वर्कर रहते हैं जो उनकी हाइव की रक्षा करती है तथा अन्य काम करती है। इस वजह से जो सिस्टर वर्कर्स है उसके अंदर 75% जेनेटिक रिलेटेडनेस इनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि जो फीमेल से इनका एग आता है वो डिप्लॉयड एग है, उसके अंदर 50% उनके गुणसूत्र रहते हैं तथा मेल से भी 25% जो फीमेल का गुणसूत्र है वो इनके अंदर आते हैं। इस वजह से इसके अंदर 75% जेनेटिक रिलेटेड रहती है और ये बहुत इनके अंदर बंधुता पाई जाती है, अपनी जान निस्वार्थ रूप से कुर्बान कर देते हैं अपने घोंसले के लिए हाइव के। एल्ट्रुइज्म इसके अंदर अच्छा एग्जांपल है, जो हैमिल्टन का रूल उसके अंदर कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट एंड रिलेटेडनेस ये बहुत ज़्यादा होता है। हैमिल्टन का रूल अप्लाई इनके ऊपर और इनको यूज सोशल या एडवांस कम्युनिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर सी का मतलब कॉस्ट है, बी का मतलब बेनिफिट और आर का मतलब रिलेटेडनेस, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में इसके एग्जाम्पल हैं, अरेक्निड्स के अंदर एरेनिटोकी जो है वो टिक्स और माइट्स के अंदर होती है, जैसे बीज के अंदर होता है, यहाँ भी अनफर्टिलाइज एग है या अनिषेचित एग है वो मेल के अंदर डेवलप होता है तथा जो निषेचित एग है वो हैप्लोइड रहता है और वो फीमेल्स के अंदर डेवलप होता है और वो डिप्लोइड होता है। रोटीफर्स के अंदर बात करें, रोटीफर्स में बहुत हैप्लोइड एंड डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस होते हैं और यहाँ पर मेल्स डेवलप होते हैं हैप्लोइड एग से। एग्जाम्पल यहाँ पर बोलेनिडी के अंदर कोई मेल्स नहीं होते और क्योंकि यहाँ पर निषेचन का एक ही प्रकार पाया जाता है पार्थेनोजेनेसिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोलेनिडी के अंदर कोई मेल्स हैं वो नहीं पाए जाते। डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस और थैलेटोपी इसके अंदर द डेवलपमेंट ऑफ अ डिप्लोइड एग यानी द्विगुणित अंडे का भ्रूण के अंदर निर्माण हो जाना बिना किसी निषेचन के, तो इसको द्विगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। द डिप्लोइड कंडीशन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के नहीं होने से या उनके साथ एग के साथ पोलर बॉडीज के जुड़ने से होती है। हैप्लोइड एग के साथ जब पोलर बॉडी जुड़ जाए या इसमें रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसके आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एमियोटिक थैलेटोपी। एमियोटिक थैलेटोपी के अंदर माइटोटिक डिवीजन है वो सप्रेस हो जाता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन सप्रेस हो जाता है, जो एग है वो प्रोड्यूस होता है वो साधारण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है और ये द्विगुणित एग होता है और यह क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। मियोटिक थैलेटोकी के अंदर यह ऊजेनेसिस या अंड जनन के दौरान होता है, इसमें हैप्लोइड्स एग्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जो हैप्लोइड एग है डिप्लोइड एग हैं वो कंडीशन अचीव्ड होती है इसके अंदर डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम के द्वारा, जो इनकी क्रोमोसोम की डबलिंग है वो डिप्लोसिस कहलाती है। डिप्लोसिस इसके अंदर दो तरीके से हो सकती है, रिस्टिट्यूशन और ऑटो फर्टिलाइजेशन। रिस्टिट्यूशन की बात करें, इस प्रोसेस के अंदर इसके अंदर जो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन है वो इनकम्प्लीट होता है और जो क्रोमोसोम है वो विपरीत ध्रुवों की तरह तो चले जाते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म है वो विभाजित नहीं हो पाता है। अब जो सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम रहते हैं वो चतुष्क के रूप में रहते हैं या क्वाड्रीपेलेट के रूप में रहते हैं। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन है इसके अंदर सामान्य तरीके से होता है और इस कारण इसके अंदर प्रोडक्शन होता है वो दो द्विगुणित कोशिकाओं का हो जाता है, इसमें एक कोशिका छोटी होती है और दूसरी कोशिका पोलर बॉडी होती है।
दूसरी कोशिका है वो बड़ी होती है और वो एग के अंदर विकसित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है वो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स के अंदर होता है, जिसमें तितलियां और मोथ आते हैं। इसमें ऑटो फर्टिलाइजेशन की बात करें, इस प्रोसेस के अंदर मियोसिस है वो नॉर्मली होता है यूजेनेसिस के दौरान, और जो अगुणित एग है वो द्विगुणित एग के अंदर डेवलप होता है जब उनके साथ में पोलर बॉडी जुड़ जाती है। जो हैप्लोइड एग है बाद में डिप्लोइड एग हो जाता है जब पोलर बॉडी इनके साथ जुड़ जाती है, और यह प्रोसेस ऑटो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक इसका एग्जांपल है एरेटेमिया सेलाइना ब्राइन स्ट्रीम, इनके अंदर ये प्रोसेस होता है। पार्थेनोजेनेसिस है वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस पार्थेनोजेनेसिस को हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम अनिषेक जनन या आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जब यह प्राकृतिक रूप से नहीं होता, इसको मैकेनिकल रूप से या फिजिकल रूप से या केमिकल रूप से कैरिड आउट करवाया जा सकता है। केमिकल रूप से अगर हम पार्थेनोजेनेसिस को कैरिड आउट करवाएं तो इसमें एग को है वो ट्रीट किया जाता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सी वाटर से, क्लोरोफॉर्म से, ब्लड सीरम से, फैटी एसिड से, फैट सॉल्वेंट से, यूरिया से, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि और सुक्रोज। आगे बात करें हम फिजिकल तरीके हम अप्लाई करें तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान के द्वारा, अल्ट्रावायलेट लाइट और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन शॉक के द्वारा भी हम इसमें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करवा सकते हैं। मैकेनिकल्स मीन्स के द्वारा इसको सेकिंग और प्रिकलिंग के द्वारा इसमें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस करवा सकते हैं। एक और इसके अंदर प्रोसेस होता है गायनोजेनेसिस। यह एक विशिष्ट तरीके का पार्थेनोजेनेसिस से अनिषेक जनन होता है जो टर्बुलेरियंस और निमेटोटा और अर्थवर्म्स के अंदर होता है। इसमें एनिमल्स के अंदर जो एग है उसको शुक्राणु के या स्पर्मेटोजोआ के पेंट्रेशन या प्रवेश के द्वारा उसको स्टिमुलेट किया जाता है। उसके बाद पेंट्रेट होने के बाद जो स्पर्म है वो डिसइंटीग्रेट्स विदाउट द फ्यूजिंग द एग न्यूक्लियस। जो स्पर्म है वो एग के केंद्र के साथ जुड़ नहीं पाता। इस प्रोसेस को गायनोजेनेसिस या स्यूडो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और यह जो उभयलिंगी एनिमल्स है उनके अंदर मोस्ट कॉमन रूप से पाया जाता है। अब हम डिटेल में अनिषेक जनन की बात करें। अनिषेक जनन चार्ल्स बोनेट ने सी अर्चिन के एग के अंदर खोजा था, और इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के एग का निर्माण आगे जो विकसित विकास हो जाता है एग का, यह प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट प्रकार का होता है। प्राकृतिक हमने बात करी, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित को एरेनिटोकी कहते हैं और द्विगुणित को थैलीटोकी कहते हैं। अब ये कई बार क्वेश्चन होता है कि एरेनिटोकी किसमें पाया जाता है, मधुमक्खी, गोल फ्लाई, स्टिक्स और माइट्स, द्विगुणित या थैलीटोकी रोटिफर्स, एपिड्स, फिलोपोड्स के अंदर और लिजार्ड, लेजर्टा इसके अंदर। जो द्विगुणित है वो आगे एम्यूटिक और म्यूटिक दो और रूप इसके पाए जाते हैं। एम्यूटिक है क्रस्टेशियंस और कीट में, और म्यूटिक है द्विगुणित, वो आगे दो प्रोसेस के द्वारा कैरिड आउट होता है, रेस्टिट्यूशन और ऑटो फर्टिलाइजेशन। जो प्रत्यार्पण है वो लेपिडोप्टेरियंस के अंदर होता है, और ऑटो फर्टिलाइजेशन है वो एस्टिमिया के अंदर होता है। जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस है वो केमिकल मेथड्स के द्वारा, फिजिकल मेथड्स के द्वारा तथा मैकेनिकल मेथड्स के द्वारा होता है, तथा विशिष्ट प्रकार का गायनोजेनेसिस प्रकार का होता है जो टर्बुलेरियंस, निमेटोड्स तथा केंचुए में पाया जाता है। इसमें स्पर्म की एंट्री करवा के उसको स्टिमुलेट किया जाता है, जबकि स्पर्म एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं हो पाता, इस वजह से इसको स्यूडो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। थैंक यू। कई गलतियां रही होगी, उसका सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच।